तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन कैसे वर्क करता है। इसमें मेनली ऑक्सीडाइजर और फ्यूल होता है। फ्यूल जो होता है वो बर्न करता है और ऑक्सीडाइजर जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है। ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन कहा जाता है। फिर ये लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन जो होता है वो दो पंप से कनेक्ट होता है, टर्बो पंप। वो टर्बो पंप जो होता है वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को कंबस्टन चेंबर में भेजता है। यहाँ पर आ गया कंबस्टन चेंबर, जहाँ पर कि मिक्सचर होता है दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का, बर्निंग प्लेस होता है। फिर यहाँ पर होता है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर में जो होता है पार्टिकल को स्प्रे कर दिया जाता है लिक्विड को, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए वो दोनों। फिर यहाँ पर होता है एक इग्नाइटर, ये देख सकते हैं इग्नाइटर, जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करता है, इग्निशन होता है। इसके बाद जो होता है ये नोजल में जाता है। ये नोजल जो होता है इसी को थ्रस्टर भी कहा जाता है। ये जो है फायर को डाइवर्ज कर देता है, जिससे कि थ्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। तो आइए अब इसका वर्किंग देखते हैं। और यहाँ पर जो है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों पंप के थ्रू सक करके उसको इग्निशन चेंबर में डाला जाता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। वैसे पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्रे कर देता है। फिर यहाँ पर स्पार्क प्लग की मदद से स्पार्क क्रिएट किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर फायर कैच होता है। और ये फायर जो होता है वो नोजल की मदद से डाइवर्ज कर दिया जाता है। अब हम लोग इसके पार्ट 3 में देखेंगे कि सॉलिड रॉकेट कैसे वर्क करता है।